हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपना ब्लॉग लेके। ये देखिए, ये वही कुरकुरे हैं जो पिछली बार मैंने चावल के बनाए थे। ये देखिए, अभी सूख गए हैं, 2-3 दिन की धूप लगाई। आजकल तो बारिश हो रही है तो फिर ये मेरे कुरकुरे सूख गए थे। चलिए, अब मैंने कहा था कि जब मेरे कुरकुरे सूख जाएंगे चावल के बने हुए तो मैं आपको दिखाऊंगी। जिसने नहीं देखा वो मेरा ब्लॉग देख सकता है, चाहे तो मैं इसको आई बटन में डाल दूँगी। अब मैंने इसको आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा तेल लिया है। देखिए, बहुत ज़रा सा तेल लिया है ये, क्योंकि ज़्यादा तेल पीता नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा तेल चाहिए। तो इसमें मैंने तेल लिया है। इसमें ये देखिए किस तरीके से ये फूल रहे हैं और क्रंची हो रहे हैं। इसकी आवाज़ मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी कि कितने क्रंची हैं, कितने कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। और इसमें नमक और जो मैंने डाला था, जो भी चीज़ें डाली हैं वो आप उस वीडियो में देख लीजिए किस तरीके से क्या रेसिपी बन डाली है मैंने। ये देखिए, तेल में डालते तुरंत फूल जा रहे हैं, और जो भी इसकी क्रिस्पीनेस है, जो भी इसमें टूटने की आवाज़ आ रही है वो आपको मैं दिखाऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है, इसमें टूटने की आवाज़ आ रही है, इसकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके की चिप्स बनाने हैं तो मेरा एक बार वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अब देखना इसमें किस तरीके की आवाज़ आती है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मैंने उठाया और ये इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये टूट रहे हैं और कितने ये क्रंची हो रहे हैं। ये इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए कितने क्रंची बने हुए हैं। ये देखिए कितने आराम से टूट जाएगा। ये देखिए कितने आराम से टूट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो इतने आराम से टूट रहे हैं, इस तरीके से आपके चिप्स भी बन सकते हैं, घर में ट्राई कीजिए। ये देखिए कितने आराम से टूट गया। इस तरीके की चिप्स आप अपने घर में बचे हुए चावलों से बना सकते हैं। ठीक है, बाय।